हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो सरकार देगी आपको 75,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, वो कब और कैसे मिलेंगे उसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाएं, आप सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर नीचे से साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना और हमारे वीडियो को 5 या 10 ग्रुपों में शेयर कर देना। उसी का श्रम कार्ड को ये लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, सरकार ई श्रम कार्ड वालों को दे रही है 75,000 रुपये सालाना। जी हाँ दोस्तों, 75,000 रुपये की राशि सभी ई श्रमिक कार्ड वालों को मिलने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ई श्रम कार्ड वालों क्या होते हैं, वो गरीब परिवार से होते हैं, साथ ही वो मजदूरी काम करते हैं। तो सरकार उनके लिए बहुत सारी अन्य प्रकार की योजनाएं लाने वाली है, जिनके तहत उनको 75,000 रुपये सीधे खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या मित्र केंद्र पर जाकर अपना श्रमिक कार्ड बनवा लेना। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद में आप खाते में 75,000 रुपये की राशि सरकार डालने वाली है। ये सिर्फ इसलिए डालने वाली है कि ताकि जो ये गरीब परिवार से संगठित जो मजदूर क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्हीं का ई श्रमिक कार्ड बनता है। और जो लेबर डिपार्टमेंट का काम करते हैं, यानी कि चिनाई वगैरह मिस्त्री पने का काम करते हैं, उन्हीं का ई श्रम कार्ड बनता है। तो इन गरीबी हालातों को देखते हुए सरकार जल्द ही उन सभी खाते में 75,000 रुपये का लाभ देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया तो अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना, तभी जाकर आपको इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको दोस्तों बताना चाहते हैं, सरकार ई श्रम कार्ड वालों को 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा देती है। यानी कि मान के चलो, किसी मजदूर की काम करते वक्त मौत हो जाती है तो उनके खाते में 2,00,000 रुपये का कवर सरकार देती है ई श्रमिक कार्ड वालों को। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, जिनके पास भी ई श्रमिक कार्ड होता है उनको सरकार पेंशन का भी लाभ देती है 60 वर्ष के बाद में। साथ में ही दोस्तों, उनको अन्य प्रकार के, जैसे उनके बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाता है स्कूल से, जिनके पास भी ई श्रम कार्ड होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की सभी योजनाएं ई श्रमिक कार्ड वालों के लिए होती है। साथ ही सरकार नया रूल लाने जा रही है कि जो भी ई श्रमिक कार्ड धारक है उन सभी को 75,000 रुपये की राशि सरकार देने वाली है। तो दोस्तों, आपसे हमारा एक सवाल, अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल सही नाम जरूर कमेंट कर देना, ताकि हमको पता चल जाए कि आपके पास ई श्रमिक कार्ड है और आपको लाभ दिलाने में हम सहायता कर सके। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर नाम कमेंट करना। दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस लाभ के बारे में पता चल जाए और वो भी जल्द से जल्द अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा ले और इस योजना से जुड़ जावे। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, ई श्रमिक कार्ड कोई आसानी से बन जाता है। आपको नजदीकी मित्र केंद्र पर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है और आपका ई श्रमिक कार्ड बन जाएगा। दोस्तों, ई श्रमिक कार्ड वालों को जल्दी खाते में सरकार 75,000 रुपये का लाभ देने जा रही है। वो 75,000 रुपये का लाभ किन योजनाओं के तहत मिलेगा, वो सरकार जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और उसका नोटिफिकेशन जारी करते हम आपको नई वीडियो आपको बता देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाना, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कब और कैसे आपको ई श्रमिक कार्ड के खातों में लाभ मिलने वाला है। इसलिए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही नाम भी कमेंट कर देना, साथ ही वीडियो को 10 या 15 ग्रुपों में जरूर शेयर कर देना। जो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा उसी को लाभ हम दिलाने में ज़्यादा ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि अन्य प्रकार की योजना सरकार जल्दी लाने जा रही है ई श्रमिक कार्ड धारकों के लिए, तब जाकर उनके खातों में 75,000 रुपये का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताया, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।